में सभी याचिकाओं की सुनवाई हो, ये कहा है अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने। अग्निपथ योजना में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश, दिल्ली हाई कोर्ट में सभी याचिकाओं की सुनवाई हो। सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई। दिल्ली, पटना, केरल समेत 5 हाई कोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में जितनी भी याचिकाएं देश भर में लगाई गई हैं, उन सब पर वो सुनवाई कर लेगा, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो पीयूष, मतलब अग्निपथ को लेकर जिन लोगों को जो दिक्कतें हैं और उन्होंने जो अलग अलग अदालतों में जो याचिकाएं लगाई हैं, अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और सारी याचिकाएं दिल्ली आएंगी। जी बिल्कुल गौरव, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो 3 याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबी थी, उनके साथ में जो अन्य 5 हाईकोर्ट में और AFT में यानी कि आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में जो एक याचिका लंबी थी, उन सभी को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के लिए कहा है। साथ में सभी हाईकोर्ट को ये कहा है कि ये एक विकल्प है, अगर हाईकोर्ट अपने पास मामला लंबित रखना चाहे तो लंबित रख सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता को ये विकल्प दे कि वो दिल्ली हाईकोर्ट जाकर के एक IA यानी कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन आवेदन दाखिल करें और सभी मामलों की सुनवाई एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट में की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी देर पहले अभी किया है और ये आदेश की मांग सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से की गई थी। जी गौरव।